आज के बाद न जलेगी न चिपकेगी और ना ही फटेगी अगर आपने ये ट्रिक जान ली तो हर बार गाढ़ी मलाईदार मोतियों जैसा खिला खिला साबुदाना खीर आप मेरे ही तरीके से बनाएंगे ये गारंटी है मेरी फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन उसे दबाना ना भूलें चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स देर किस बात की स्टार्ट करते अपना वीडियो किला किला साबूदाना बनाने के लिए मैंने लिया है मीडियम साइज के साबुदाना आप जैसा कि देख सकते हैं एक मोती वाला आता है एक मीडियम साइज का और बहुत बड़े साइज का आता है तो मैंने मीडियम साइज़ के एक कप साबूदाना लिया इसका कोई भी बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसको डाल लेंगे आप देख सकते हैं जनरली सब लोग यही यूज़ करते हैं कोई भी रेसिपी बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं तो मैंने ये मीडियम साइज़ के साबूदानों को अच्छे से वॉश कर लिया तीन चार पानी से बार बार इसको ड्रेन आउट करते रहेंगे और जब तक करेंगे जब तक इसका दूधिया नहीं क्लाउडी वाटर ना निकल जाए तो इसमें मैंने लिया है सेम कप ही से आधा कप पानी लिया और इसको अच्छे से रख देंगे इसमें डाल देंगे और उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमको उतना पानी डालना ताकि अच्छे से एग्जॉर्ब हो ले उसका पानी ज़्यादा डालेंगे तो आपको अगेन उसको फेंकना पड़ जाएगा तो आप देख सकते हैं इसको ढक देंगे चालीस से पैंतालीस मिनट के लिए इसको लग जाता है उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप उसमें गर्म पानी डाल के सोख कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये फोर्टी मिनट्स हो चुके हैं आप कितने खिले खिले ये खुद ही बन गए मैं आपको एक तो दबा के भी दिखा दे रही हूँ कि कितने अच्छे से सोख हो गए हमारे साबुदाना तो आप देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा सा भी पानी नहीं है इसमें काफ़ी अच्छे से ये हो चुका है फिर भी हम इसमें पानी डाल के इसका जितना भी क्लाउडी वाटर अंदर होगा उसको हम रब करके थोड़ा सा इसको हम निकाल देंगे क्योंकि यही स्टार्च है और इसी वजह से हमारी जो खीर बनती है वो चिपचिपी हो जाती है यानी ख़राब हो जाती है जलने की वजह से तो दो तीन पानी से अगेन इसको ड्रेन आउट करेंगे और हम आप देख सकते हैं मैंने पूरा पानी ड्रेन आउट कर दिया अब मैंने लिया है गर्म पानी जी फ्रेंड्स ये टिप नंबर फर्स्ट थी कि हमको अच्छे से वॉश करने के बाद लास्ट में दो से तीन मिनट के लिए गर्म पानी में अगेन इसको सोख करके रख देना है तभी इसी से हमारी खीर परफेक्ट एक फ्लोटिंग वाली बनेगी यानी अच्छी से गाढ़ी गाढ़ी बनेगी चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं तो ये मैंने लिया कढ़ाई अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है पैन या कढ़ाई तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बाय द वे आपके पास नहीं है तो आप उसको देसी घी से ग्रीस कर लीजिएगा जैसे मैंने किया हुआ है फिर मैंने दो चम्मच देसी घी डाल दिया मैंने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिया काजू बादाम चिरौंजी और किशमीर तो काजू बादाम को पहले हम सैलो फ्राई करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं चिरौंजी और किसमिश जल्दी हो जाते हैं तो उसको हम लास्ट में डालेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा सिक चुका है इसे क्रंचीनेस आता है कच्चा भी डाल सकते हैं मगर थोड़ा सा घी में सेकने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता खीर में तो गैस बंद करने से पहले दस सेकेंड पहले मैंने किशमिश डाल दिया किशमिश जल्दी जल जाती है तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं करना अदरवाइज टेस्ट ख़राब हो जाएगा आप चाहें तो ये घी को रिमूव कर सकते हैं या तो आप इसी में मेरी तरह इसमें दूध डाल सकते हो तो मैंने फुल फैट क्रीम लिया हुआ है दूध आप कोई भी दूध ही यूज़ कर सकते हैं मगर फुल फ़ैट वाले से काफ़ी अच्छा घीर बनता है तो मैंने वन लीटर लिया हुआ था और इसको अच्छे से उबाल लेंगे कच्चा दूध मत डालिएगा टिप नंबर दो है क्योंकि खीर साबूदाना के बनाने के लिए आपको कच्चे दूध का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है तो आप देख सकते हैं ये दो से तीन मिनट हो चुके हैं साबूदाना अब इसको भी हम इसको ड्रेन आउट कर देंगे और दूध भी हमारा उधर खोल रहा है ये वाला पानी को हम फेंक देंगे सारे यूजलेस वाटर हैं आप देख सकते हैं साबूदानों को मैंने स्ट्रेनर में छान लिया है खीर भी बनने के लिए रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से उबाल आने लगा है इसमें तो मैंने इसमें डाल दिया साबूदाना आप देख सकते हैं साबूदाना बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेगा आप देख सकते हैं ऊपर ही अपने आप फ्लोट होने लगा यही टिप्स थी फ्रेंड्स कि आपको कब इसको वॉश करना है कब इसको भिगोना और कितनी देर तक करना है तो छोटे छोटे टि टिप्स आप मेरे फॉलो करेंगे तो काफ़ी परफेक्ट तरीके से खीर बनेंगे विद इन फाइव मिनट्स में बनकर रेडी हो जाती है तो कुछ मैंने केसर के धागे यूज़ किए हुए हैं काफ़ी अच्छा कलर आने के लिए तो आप ऑप्शनल है आपके पास हो तो डालिए दरवाज़ा स्किप कर सकते हैं तो थोड़ा सा इसको मीडियम फ्लेम में करके कंटिन्यूस चलाते रहेंगे साइड में जो मलाइयाँ जमेंगी उसको कॉर्नर से स्क्रैच कर दीजिएगा ताकि गाढ़ी हो जाए तो उसी कप से मैंने आधा कप लिया हो शुगर मैंने बोला था कि आपकी कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा उसी से मेज़र करिए उसी से नापिएगा तो परफेक्ट बनेगी सही मिठास के साथ आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो चीनी को अर्जेस या कम ज़्यादा कर सकते हैं आप देख सकते हैं अच्छे से खीर हमारी ऑलमोस्ट गाढ़ी होने लगी है तो इस स्टेज में मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई किया हुआ था इसको डाल देंगे कुछ हम थोड़ी देर मतलब कि कुछ थोड़ा सा हम रख देंगे साइड में इसको डेकोरेट करने के लिए तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें मैंने डाल दिया हुआ है तो ये काढ़ी होने लगी है फ्रेंड्स इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपने थोड़े से इलायची पाउडर आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं या तो आप जब गार्निशिंग करेंगे तो वहाँ डाल दीजिएगा तो मैंने डाल दिया मगर दिखाना मैं भूल गई थी तो आप देख सकते हैं तो इसमें मैंने डाल दिया हुआ है ये हमारे साबूदाना की खीर रेडी हो चुकी है और हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे काफ़ी यम्मी यम्मी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर इसकी थिकनेस इसका टेक्सचर काफ़ी परफेक्ट तरीके से बना है लग रहा है बिल्कुल मार्केट वाली खीर कोई नहीं कह सकता कि ये साबूदाने की खीर है विद इन फाइव मिनट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से बन गई अब हम चलिए स्टील की कटोरी में सर्व करते हैं कि कुकू क्योंकि लोग इसको प्रसाद में यानी व्रत में भी यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं व्रत वाली नवरात्रि वाली नवरात्रि भी चल रही है तो आप इसको कभी भी एज अ डेजर्ट खीर को इन्जॉय कर सकते हैं अपनी व्रत को अपनी व्रत नवरात्रि बना सकते हैं कोई भी व्रत में इसको इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनती है ये तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं फटाफट से बनने वाली साबूदाना की खिली खिली खीर काफ़ी अच्छे तरीके से और जल्दी बन गई फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी साबूदाना की खीर कैसी लगी अच्छी लगी हो तो भी और नहीं लगी हो तो भी तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं यमी और हेल्दी वीडियो मौके बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग